भाई ये देखो लैंडस्लाइडिंग हो रही है बहुत तगड़ी यहाँ पे। आ जाओ यार गाइड करते रहो मुझे, मैं अब होप ख़त्म कर चुका हूँ, मेरी होप ख़त्म हो गई अब। ये है देहरादून की पब्लिक। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। और आज का ये वीडियो हमें हमारी जो ट्रिप हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे धनौल्टी का, उसका है। हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से धनौल्टी की, और बाकी स्टॉप कहाँ लेंगे, क्या स्टे कहाँ मारेंगे वो तो बात की बात है। तो अभी हमारे साथ हैं अनुराग भाई यहाँ पे, और वो हैं अंकल जी पीछे हमारे बिल्डिंग में। इन्होंने आपने देखा होगा ड्रोन्स वगैरह के शूट्स में भी आए हुए हैं प्रसाद करके। और ये बैठा हुआ है कोको, आर यू रेडी? कोको भी रेडी है, बाइक भी पहाड़ पूरी रेडी है, सामान वामान सब बन चुका है। और कोको की सीट दिखाता हूँ आप लोगों को। क्यों कोको, काफ़ी कम्फर्टेबल है ना ये? चौड़ी सीट बना दी है, नाच ले कोको इस पर। ये बैक, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम बिहाइंड। और अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारे जो भाई साहब हैं 6 बजे का बोल के 9 बजे आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करके निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं रोड पे, और जैसा कि 9:20 हो रखे हैं, तो उत्तम नगर वाला साइड तो भाई जाम बहुत तगड़ा है। आगे अभी तो येलो दिखा रहा है यहाँ से, लेकिन आगे जितना जाएंगे उतना ही भीड़। पता नहीं कितनी देर में निकल पाएंगे, लेकिन मज़ा काफ़ी आने वाला है क्योंकि यहाँ का वेदर दिल्ली का काफ़ी हॉट हो चुका है इन दी आफ्टरनून आफ्टर 7 o'clock। बट धनौल्टी का जो हमने वेदर चेक किया था, वो चेक किया था 7 to 6, 7, 8 degrees जा रहा है करीबन, विच इज़ कंपेरिजन टू क्वाइट कोल्ड फ्रॉम हेयर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला कोको वापस बैक टू विंटर्स। तो और कोको की ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड होने वाली है टूवर्ड्स माउंटेंस ऑन बाइक। तो यार पहले तो चैनल पे जो जो लोग नए हो वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। कोको पीछे बैठा हुआ है, अभी चौर से बैठा हुआ है क्योंकि इस बार जो मैंने फ्रेम बनवाया था इसका काफ़ी कूल बनाया और काफ़ी बड़ा भी है, ताकि कोको जो इस पर आराम से लेट सके, बैठ सके, और खड़ा होना चाहे खड़ा भी हो सके। तो अभी यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर धूप और डस्ट और ट्रैफिक तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जल्दी चलते हैं यहाँ से और सिटी से क्रॉस करके फिर दिखाते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। अभी वैसे तो एंड पॉइंट हमारा धनौल्टी है, लेकिन हमारा जो आज का स्टे है हम मसूरी का सोच रहे हैं। तो देखो मसूरी में कहाँ रुकते हैं, बाकी हमने चेक किया था एयरबीएनबी पे जो कि दिखाता है अच्छे प्लेसेस आपको अच्छे व्यूज़ के साथ। तो इस पर काफ़ी रीजनेबल प्राइस है धनौल्टी का, बट वो अभी फाइनलाइज़ नहीं किया हमने, वो तो वहाँ जाके फाइनलाइज़ करेंगे। अभी देखो यहाँ का भीड़ कितना ज़्यादा हो रखा है यार। तो चलो पहले फटाफट यहाँ ट्रैफिक से निकलते हैं। 1 घंटा तो यहीं लग गया है उत्तम नगर के जाम में, मतलब 9:05 पे निकले थे, 9:53 यहीं हो गए हैं। और अभी पेट्रोल भी गाड़ी का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो पता नहीं आगे पेट्रोल पंप कितनी दूर पे मिलेगा। लोगों के रिएक्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, कितना मज़ा आ रहा है, लोगों को भी देखने में इंजॉय कर रहे हैं, आंटियाँ भाभियाँ सब हंस रही हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें भी और कोको को भी राइडिंग करने में। लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो फाइनली अब निकल पाए हम इस जाम से, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद, 1 घंटा लग गया उस जाम से निकलते निकलते। तो अब हम यहाँ से विकासपुरी से सीधे हाईवे फ्लाईओवर तो निकलेंगे ताकि दिल्ली से निकल सके। और पहले तो पेट्रोल पम्प ढूंढना, तो पेट्रोल पम्प ढूंढते हैं उसके बाद चलते हैं कहाँ किस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि मेरठ एक्सप्रेस वे पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो हम उस पर जा नहीं सकते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ की GPS कौन सा हमें रास्ता सजेस्ट करता है, तो उसके हिसाब से निकलते हैं। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि सबसे पहले है हमें पेट्रोल डलाना। तो मैडम ने बुलाया, हम मैडम के पास जाएंगे हम तो। वही तो आ रहा हूँ, पहले तो मैडम के पास जाएंगे, कभी कभी उसके मूड पे है। हाँ अभी तो उत्तराखंड, हाँ होली होली मनाने, हाँ और क्या, इस पे इसके अलावा कोई बैठा दिख रहा है? कोको पेट्रोल के पैसे दे दे भाई। तो फिलहाल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल हो चुका है फुल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोको ये देखो,
थैंक यू, टैग कर देना इंस्टा पे हमें, हिमालयन अमित, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। बाय 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 बाय, क्या बात है। पर इतना इतना फोटो वोटो खिंचवाने के बाद इनसे फ्री में पेट्रोल मांगना था थोड़ा। ओ भाई, पेट्रोल पंप पे तो महफिल जम गई थी, मज़ा आ गया। पेट्रोल पंप पे सारे पेट्रोल छोड़ के जितने भरने वाले थे सारे हमारे साथ ही खड़े थे भाई, आंटीज लेके अंकल, काफ़ी मज़ा आ गया। आप चलते हैं जल्दी से आगे, पहले शहर से निकलते हैं क्योंकि धूप ने बैंड बजा रखी है, गर्मी सर में, हेलमेट पहन पहन के ना ऐसा हो गया है जैसे पसीने चू रहे हैं। तो पहले अब निकलते हैं यहाँ से और आउट ऑफ सिटी, ताकि थोड़ा हाईवे हाईवे आ जाए और फिर नाश्ता वास्ता करने कहीं रुकते हैं, देखते हैं आज का सफ़र हमें कहाँ तक लेके जाता है। तो फाइनली हम लोग दिल्ली के बाहर आ चुके हैं, हमने जो रास्ता पकड़ा है लोग खुश कितने हैं। तो हमने जो रास्ता एक्चुअली GPS के थ्रू, क्योंकि मेरठ एक्सप्रेसवे पे अलाउड नहीं है वहाँ पे बाइक ले जाना, तो हमने GPS के थ्रू लगाया, जो कि हमें करनाल जो चंडीगढ़ जाता है उस वाले हाईवे पे लेके आया। पहले तो हम कन्फ्यूज हो गए कि हमें चंडीगढ़ हिमाचल कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन फिर आगे से कर दिखाया और भाई ट्रैफिक बहुत, तो 2 घंटे पूरे के पूरे लग गए हैं। अब फाइनली निकल आए हैं, तो अब देखो अब थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, को बार बार एडजस्ट किया जा रहा है क्योंकि चौड़ वाली सीट है, तो इधर से उधर उधर से उधर मज़े लेके पूरा पलथी मार के बैठा हुआ है, हंस रहा है पीछे शीशे में, ये देखोगे दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं क्योंकि 11 बज गया, भूख वगैरह भी लगी हुई है, तो देखते हैं कि पहले थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर खींच देते हैं, फिर अच्छा सा रेस्टोरेंट निकलता सिटी के बाहर ढाबे आबे टाइप में, वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि भूख लग रही है अब। तो ज़्यादा देर ना करके भैया फटाफट चलते हैं क्योंकि शाम तक हमें पहुंच जाना है और बढ़िया व्यू, सनसेट का व्यू लेना है। कहाँ का लेना है अब, वो ऋषिकेश का हो, मसूरी का हो, देहरादून का हो, जहाँ का भी हो वो तो लेना ही है। तो जल्दी फटाफट चलते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको क्या कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हाँ जी बॉस, बहुत अच्छा लगा मिल के तुम्हारे से। आपको भी बहुत ही, तो सोचा था कोई मिले ऐसा बंदा मैं कभी, बहुत अच्छा लगा। सहारनपुर जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर। अच्छा मुजफ्फरनगर, ओके। यहाँ से तो अभी टाइम लगेगा 4-4.5 घंटा, हमें तो जाना मसूरी तक। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो ये छोटा सा हमें शांति वाला थोड़ा सा ढाबा टाइप में मिला है जहाँ पे कोको के खेलने की जगह थी, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा चाय वाय पीते हैं, रेस्ट करते हैं 15-20 मिनट और इसी बहाने कोको के भी हाथ पैर खुल जाएंगे, वो भी थोड़ा घूम लेगा, फिर चलते हैं आगे। तो चलो चाय वाय पीते हैं अब। धूप लग रही है, रुक जा, धूप लग रही है। तो भैया जी खाना पीना हो चुका है यार, खाना खा के एक तो पेट भर के खाना खा लिया, यहाँ पे खाना अच्छा था। कोको तूने भी रोटी खाई ना बटर वाली, तो कोको ने भी रोटी खा लिया आराम से, हम सब भाई थोड़ा आराम कर लिया, ऑलमोस्ट 40 मिनट का स्टे मार लिया यहाँ पे। तो अब टाइम हो चुका है कितना, टाइम हो चुका है करीबन 3, तो अब हम निकलते हैं जल्दी से जल्दी क्योंकि 3.5 घंटा बता रहा है अभी मसूरी का, तो यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो फटाफट पहुँच पाएंगे। तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। और कोको की ये जो सीट है इस पर कोको के लिए बहुत सारे एडवांटेज है, कभी कोको बैठ जाता है, अभी जैसे बैठा हुआ है ये, कभी लेट जाता है, कभी फैल जाता है, उल्टा हो जाता है, कभी खड़ा हो जाता है चार टांगों पे, मतलब सर्कस कर रहा है। हाँ अभी बिल्कुल बैठा हुआ है स्ट्रेट, अब वो कुत्ते खड़ा है अभी, हाँ तो अभी समझ लो कि बैठा हुआ है पूरा प्रॉपरली, जैसे बैठते हैं नॉर्मल घर में कि सोफा कम बेड वाला हिसाब है इसका। तो कोको तो काफ़ी इंजॉय कर रहा है, देख रहा होगा इसका शीशे में दिखाते ही, देखो ये देखो शीशे में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बैठा हुआ पीछे से पूरे मजे ले रहा है ये कोको, मजा आ रहा है। हाँ हवा, टी शर्ट भी पहनी थी तो उतार दी क्योंकि धूप हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा अनकम्फर्टेबल हो, उससे अच्छा तो टी शर्ट निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ भी जहाँ रुके हुए थे वहाँ पर भी पानी में बैठ रहा था बार बार, तो दैट मीन्स गर्मी लग रही थी। तो अभी फुल मज़े ले रहा है वापस क्योंकि ठंडी ठंडी हल्की सी हवा चल रही है, जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे मौसम थोड़ा ठंडा होता जाएगा। लेट्स सी कि कितनी देर में पहुंचते हैं, अब पहले तो भगाते हैं यहाँ से। भैया जी कैमरे की बैटरी हो चुकी थी बिल्कुल ड्रेन, मतलब मैंने कोशिश की दोबारा ऑन करके देखा, बिल्कुल बैटरी ड्रेन हो चुकी थी, टाइम मिल नहीं पाया, अभी रिप्लेस किया है। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क,
देहरादून वाली रोड पे, और यहाँ से कुछ 22 किलोमीटर आपका देहरादून रहता है और कुछ 56 किलोमीटर आपका मसूरी रहता है। तो अब हो चुके हैं, मतलब शाम के 5:30 बजने वाले हैं, तो धूप तो ऑलमोस्ट जा चुकी है। और पहाड़ों में होने का फ़ायदा ये है कि ग्रीनरी और हवा दोनों ठंडी हो चुकी हैं, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी राइड करने। कोको का चौड़ापन तो ऐसा है कि कोको बैठा हुआ है। तो अब यहाँ से कुछ लगेगा हमें 1.25 घंटा, जल्दी से पहुँचते हैं आराम से मसूरी पहुँचना में। देखते हैं कि फाइनलाइज करते हैं कि भाई कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, क्योंकि इस बार कैंपिंग का कोई इरादा नहीं था हमारा, क्योंकि छोटी शॉर्ट ट्रिप थी। तो हमने सोचा कि चलो यार इस बार कोको को लेके आए हैं, थोड़ा सा अच्छी जगह भी रुक लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ का प्लान बनाया था। पहले आज हम रुकेंगे मसूरी, तो हमारा कंफर्म हो गया आज हम मसूरी रुकेंगे। अभी चलते हैं यहाँ से, पहले हम देखते हैं, 1 घंटा लगेगा प्रॉब्ली हमें मसूरी पहुँचने में, 1.25 घंटा। तो जल्दी से रहने की जगह ढूंढते हैं और देखते हैं कि अगर सनसेट से पहले पहुँच गए तो मज़ा आ जाएगा, कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं पहुँचा तो एक अलग बात है, कोशिश कर सकते हैं। तो जल्दी फटाफट चलो। एक चीज़ तो है भाई, बताना चाहूँगा यार आप लोगों को कि उत्तराखंड, हिमाचल या कहीं भी आप जाओ ना, मतलब इनकी ब्यूटी ही अलग है। और इस ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए सभी लोग जो भी वीडियो देखते हैं, देख रहे हैं या जो नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा पहाड़ों में आओ यार, गंदा ना करो इसे, ठीक है। इसे साफ़ रखेंगे तो इसकी सुंदरता बनी रहेगी, साफ़ नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली कल की डेट में आप जहाँ गंदा पड़ोगे वहाँ बैठोगे भी नहीं। तो अभी आज की डेट में हर बंदा केदारनाथ, बद्रीनाथ और पहाड़ों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत सी जगह जाते रहते हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ जाके जो कचरा अगर लेके जा रहे हैं, इस्तेमाल करके वापस लेके जाएं। ये छोटा सा मैसेज है एक। तो ये देखो सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये है देहरादून की पब्लिक, ठीक है। ये सारे देख लो यहाँ पे, हम खो गए थे, इत्तेफाक से ये लोग मिल गए। आ जाओ सारे, आ जाओ। आ जाओ। जो हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ नहीं है, वो 34 की आगे मसूरी में। अच्छा, वो हाँ मसूरी में कैंपिंग वगैरह नहीं लगता है, यहाँ पे अंदर वाला रोड करके। काफी मजा आया लोगों से मिलके, फोटो सेशन वगैरह भी किया, काफी मजा आया। थैंक यू। तो अब यहाँ से निकलना, क्योंकि हमें 34 किलोमीटर दूर जाना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं, क्योंकि कोको भी पीछे वेट कर रहा है। अनुराग भाई ने हमें इतना जहर रास्ता दिया है कि हम रात को जंगल में ऑफ राइडिंग कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। और ये देखो रास्ता भाई, ओ ये देखो पूरा जंगल सा और टूटा फूटा रास्ता है, कहीं दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। ओ भाई ये देखो लैंडस्लाइडिंग हो रही है बहुत तगड़ी यहाँ पे, पलटते पलटते बच गया भाई, आज तो बैंड बच गई यार पूरी। चलते धीरे धीरे आगे की ओर, देखते हैं क्या रास्ता है भाई। आज तो इतनी ऑफ राइडिंग मैंने लद्दाख में सिर्फ एक जगह की थी, लेकिन वो भी दिन था, रात नहीं थी। दिन में ऑफ राइडिंग करना और रात को जंगल में ऑफ राइडिंग करना भाई, बहुत डिफरेंट है। लेकिन दो भाई बंधु मिल गए थे, उन्होंने बता दिया कि भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप सारा डेंजर वाला एरिया क्रॉस करके आ चुके हो। तो हमने कहा, वरना मेरा तो, मैंने अनुराग को बोल दिया था कि भाई चलो ठीक है वापस चलते हैं, क्योंकि रिस्क लेने से तो अच्छा है कि बेटर है वापस चल के हम होटल का पैसा छोड़ देंगे, नया बुक कर लेंगे, और क्या 1000 रुपये से ज़्यादा जान प्यारी है भाई। देखो अब कितना टाइम लगता है, बस पहुँचना है यार, अब तो जल्दी भगवान पहुँचा दे, महादेव बस बचा है। रात को रिवर क्रॉसिंग भैया कर लिए यार, सारे काम जो लद्दाख में रह गए थे भाई। ये रास्ता खतरनाक है और सच में हम डेंजर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा पता नहीं, इंस्टिंक्ट जो है ना, मेरी गट फीलिंग ना बहुत गंदी आ रही है इस समय मुझे। आ जाओ यार गाइड करते रहो मुझे, मैं अब होप ख़त्म कर चुका हूँ, मेरी होप ख़त्म हो गई अब। वो कह रहा था, गलत नहीं कह रहा कि भाई रास्ता ख़तरनाक है, ये तो हमारी किस्मत है कि अभी तक ना किसी ने जानवर ने हमला किया
और ना हम गिरे। यार कहीं कोई छोर नहीं दिख रहा यार भाई, भाई इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। यार बड़े भाई हम फंस गए हैं ऐसा कि हम 3 घंटे से घूम रहे हैं इधर ही उधर, हमें जाना। अब ये बताओ सबसे पास में रोड कहाँ मिल जाएगी जहाँ से हम मसूरी धनौल्टी। तो फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं होटल पे, मतलब जो बुक किया था उसने ही, दूसरा जो मिल गया मौके का, क्योंकि जिस रास्ते पे हम चढ़े थे उस रास्ते का कोई एंड ही नहीं था भाई, पूरा ऑफ रोडिंग रिवर क्रॉसिंग, बहुत ज्यादा पेट्रोल भी खत्म हो गया था, उम्मीद ये खत्म हो चुकी थी कि आज हम लोग गए। कोको भी बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था और हमें लग नहीं रहा था कि हम कहीं आज बैठ पाएंगे, जा पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, पूरी होप खत्म हो गई थी। और ये ना अलग से वीडियो डाल के भाई, मतलब अगर उसको पूरा रॉ वीडियो देखोगे ना आप, तो आप कहोगे कि भाई क्या है, मतलब कहाँ घुस गए थे तुम लोग, क्या कर रहे थे वहाँ, करने क्या गए थे। बट GPS और जो डायरेक्शन था वो सब ऐसा उल्टा सीधा हुआ कि हमारे बहुत गंदे वाले लगने वाले थे, बट होपफुली पहुँच गए। अब हमारे गाड़ी में रिजर्व में मतलब ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर चला चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक भाई साहब जिनके होटल में बैठे हुए हैं, उन्होंने उनका होटल का प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट उन्होंने रीजनेबल रेट पे हमें दे दिया, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, मौके का फ़ायदा उठाया, विच इज़ गुड। और रिजॉर्ट मैं आपको दिखाऊंगा कितना सेक्सी है भाई, सुबह मॉर्निंग में दिखाएंगे व्यू आपको कि कितना सेक्सी रिजॉर्ट है। बाकी रूम देख रहे हो यार, शाही बेड पे लेटे हुए हम लोग, ये सिर्फ मैगी मिली है क्योंकि खाना भी, खाने की भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। तो दिस इज़ हाउ वी एंड अप हेयर। आई होप आप लोगों के लिए इतना हम लोग करते हैं, आप लोग प्लीज़ डू सपोर्ट अस, डू लाइक अस। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताओ यार कि क्या हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग उस पर काम करें। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। बस आज के लिए यार हम लोग थक गए हैं, कोको भी खाना खा चुका है, हम भी बस मैगी खाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आज का ख़त्म।